हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कैब्रोज चैनल। इस चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगा जो आप लोग मेरे वीडियोस को इतना पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कर रहे हैं। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। दोस्तों, आज काफ़ी मज़ेदार स्टॉक के बारे में लोग बात करेंगे। इसमें काफ़ी छोटा स्टॉक है, बहुत छोटा नहीं है, आप स्मॉल कैटेगरी में इसको रख सकते हैं, लेकिन इस स्मॉल है लेकिन ये दिग्गजों का बाप है ये स्टॉक। और इसमें बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर इन्वेस्टेड हैं और इसमें जितने भी जाने माने लोग हैं सारे के सारे इसमें इन्वेस्टेड हैं। और बहुत इसमें जो भी फेमस म्यूचुअल फंड है वो भी इन्वेस्टेड हैं। और सबसे बड़ा न्यूज़ इसमें ये है स्टॉक में कि इस स्टॉक में मेरे जाने माने इन्वेस्टर, इंडिया के जाने माने इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला जी ने पिछले दो क्वार्टर से बहुत हेवी मात्रा में इसमें इन्वेस्ट करते जा रहे हैं। हेवी मात्रा को हेवी क्वांटिटी में इसमें इसमें बाई कर रहे हैं, क्वांटिटी बाई कर रहे हैं इस स्टॉक में। तो उसी पर्पज़ से मैंने ये वीडियो बनाया कि आप लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाऊँ और हो सकता है इससे आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा हो। तो चलिए देर न करते हुए जानते हैं कौन सा स्टॉक है जिसमें राकेश झुनझुनवाला जी ने बहुत मात्रा में इसमें क्वांटिटी में बाई किया है इसमें, और उसके अलावा इसमें बहुत सारे इन्वेस्टर हैं। तो सारे इन्वेस्टर के बारे में हम लोग जानेंगे वो कौन कौन बड़े इन्वेस्टर हैं, जाने माने इन्वेस्टर हैं और जो इस कंपनी में इन्वेस्टर हैं। तो चलिए देर नहीं करते हुए जानते हैं स्टॉक कौन सा है। तो ये है एनसीसी लिमिटेड। आप सभी को पता है ये कंस्ट्रक्शन से सेक्टर से ये बिलोंग करता है ये स्टॉक। और इसमें देखिए 92.15 का इसमें इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ये स्टॉक करीब 60 पैसे 70 रुपये के आसपास था और इतना जल्दी इसने 92-95 के आसपास इसने छलांग लगाया है कि आप सोच नहीं सकते। और आने वाले टाइम में भी इसका काफ़ी अच्छा ग्रोथ है। आप यहाँ एक महीने का, मैं यहाँ पर दिखाता हूँ चार्ट, एक महीने का, सिर्फ एक महीने का दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये चार्ट 75 का था, उसके बाद एक महीना के अंदर में ये देखिए 11 दिसंबर को ये 75 का था, उसके बाद सीधा यहाँ पे 95 का स्टॉक हो गया है। तो बहुत शानदार है। इसका अगर एक साल का रिकॉर्ड देखें तो एक साल इस स्टॉक ने गिरा है, यहाँ पे हाई लगाया था करीब 138 के बाद, उसके बाद उस स्टॉक ने बहुत अच्छा मौका दिया था इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने के, यहाँ पर 63 के आसपास में था ये। और उसके बाद अगर मैं लॉन्ग टर्म पे देखिए तो ये स्टॉक बहुत अच्छा ग्रो किया है, बहुत अच्छा इन्वेस्टर को पैसा कमा के दिया है। यहाँ पे 2014 में ये करीब करीब 17 रुपये के आसपास ये स्टॉक था और ये चार सालों में इसने देखिए आप यहाँ पे करीब करीब 140 रुपये का इसने इसमें उछाल देखने को मिला है। तो बहुत ज़्यादा मल्टीबैगर हो चुका है ये स्टॉक। अगर मैक्स में हम लोग देखें तो आपको अभी रिजल्ट आएगा। और इसमें दूसरी बात है कि बहुत अच्छा डिविडेंड पेइंग कंपनी है, आप देख सकते हैं अच्छा खासा डिविडेंड पे करती हैं। और मनी कंट्रोल में भी सेंटीमीटर 81% बाइंग का रुझान है और 15% सेल और 4% इसमें जो है कि इसमें होल्ड का रुझान है। तो मैं थोड़ा सा इसका आपका थोड़ा फंडामेंटल यहाँ पर हल्का फुल्का दिखाता हूँ, मार्केट कैप वगैरह, उसके बाद मैं इसका डिटेल में चलूँगा इसका सारे इन्वेस्टर के बारे में, कौन इन्वेस्टर इसमें कितने क्वान्टिटी में कब इन्वेस्ट किया। और उसके अलावा इसके कंपनी का जो बिज़नेस है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर बने रहें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। और एक रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी हमारे व्यूअर्स अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट कैप है 5,534 करोड़ का, ऑलमोस्ट 5,535 करोड़ का मार्केट कैप है। और EPS जो है कि 6.88 का EPS है। पी रेशियो बहुत अट्रैक्टिव है, अभी अच्छा टाइम है इसमें इन्वेस्ट करने का, करीब करीब 13 का पी रेशियो और इंडस्ट्री पी रेशियो इससे ज़्यादा है, 23 का इंडस्ट्री पी रेशियो है। तो चलिए थोड़ा सा अब जो न्यूज़ है उस पर हम बात करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये कल का न्यूज़ है 10 तारीख का, NCC गेन 2%। ये न्यूज़ आते ही NCC में 2% का उछाल देखने को मिला था, जिसमें आपको देख सकते हैं 80 लाख शेयर इन्होंने राकेश झुनझुनवाला जी ने इस स्टॉक में बाई किया है। इससे पहले इन्होंने करीब करीब 4.5 करोड़ के आसपास इनके पास ऑलरेडी शेयर था इस कंपनी का, उसके बाद फिर इस क्वार्टर में दिसंबर क्वार्टर में इन्होंने 80 लाख शेयर खरीदा है। तो इसका पूरा डिटेल आपको दिखाऊंगा, आपको वीडियो में एंड तक बने रहें। और उसके अलावा ये दूसरा जो न्यूज़ है कि यहाँ पर देख सकते हैं कि फिलिप्स कैपिटल है, उन्होंने इसमें 68% अभी अपसाइड देखने को बोला है, मतलब 68% इसमें कंपनी में और उछाल देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि करंट ऑर्डर बुक है जो कंपनी का करीब 32,900 करोड़ का है, ऑलमोस्ट 33,000 करोड़ का इसके पास ऑर्डर बुक है इस कंपनी के पास। तो ये एक बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन है इस कंपनी इस स्टॉक के लिए। तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ सबसे पहले इस स्टॉक का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो दिखाता हूँ। तो इसमें जो प्रमोटर होल्डिंग है 18% प्रमोटर होल्डिंग है
और इसमें डोमेस्टिक इन्वेस्टर है वो करीब करीब 31% 31.79% डोमेस्टिक है। इसमें फॉरेन इन्वेस्टर भी इन्वेस्टेड है, तो 15.88 का फॉरेन इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्टेड है। और दूसरी ओर यहाँ पर देख सकते हैं कितनी बड़ी लंबी लिस्ट है इसमें, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर घुसे पड़े हुए हैं। तो आप इससे जान के आपको आश्चर्य होगा कि इतनी छोटी से स्टॉक में भी बड़े बड़े इन्वेस्टर घुसे हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर राकेश झुंझुनवाला जी का, मैं मेन मोटो वो था दिखाने के लिए। तो उन्होंने देखी, आप देख सकते हैं कि 7.5 और 7.5% का स्टेक उन्होंने करीब ये सितंबर क्वार्टर के आसपास लगाया था, स्टेक लिया था सितंबर क्वार्टर में। उसके बाद फिर इन्होंने यहाँ पर देख सकते हैं राकेश झुंझुनवाला, फिर इन्होंने सितंबर क्वार्टर में ही 1.93 का स्टेक बनाया था, और ये करीब करीब 1,16,00,000 के आसपास ये क्वांटिटी में अगर कन्वर्ट करेंगे तो देख सकते हैं। मैं क्वांटिटी भी आपको दिखा दूंगा। और उसके बाद ये देखिए राकेश झुंझुनवाला जी ने ये दिसंबर क्वार्टर में 1.33% का स्टेक बनाया स्टॉक में। ये देखिए यहाँ पे दिसंबर 18 है, तो यहाँ पे 1.33 का इन्होंने स्टेक बनाया है। और उसके बाद देखिए इस क्वार्टर में, दिसंबर क्वार्टर में बहुत सारे इन्वेस्टर इसमें घुसे हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं दिखाता हूँ, ये देखिए रिलायंस ने दिसंबर क्वार्टर में घुसा है, फिर आदित्य बिरला है, सुंदरम है, उसके बाद IDFC है, DSP है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते HDFC, इस सारे बड़े के बड़े म्यूचुअल फंड वालों ने इस क्वार्टर में ही घुसे हैं, और जिसकी वजह से स्टॉक में काफ़ी तेज़ी देखने को मिला है। देखिए राकेश झुंझुनवाला जी, टाटा म्यूचुअल फंड, गोल्डमैन, और उसके बाद वैनगार्ड, इस सारे के सारे म्यूचुअल फंड इसमें इन्वेस्टेड हैं। और तो ये रहा, इसके बाद में इसमें थोड़ा सा इसका जो क्वांटिटी वाइज है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मेन मैं राकेश झुंझुनवाला जी का यहाँ पे दिखाऊंगा कि जो क्वांटिटी उन्होंने होल्ड किया था, तो ये पहले जो सितंबर से पहले जो उन्होंने उनके पास ये स्टॉक पड़ा था उनके पोर्टफोलियो में, तो ये देख सकते हैं इसमें 4,51,08,266 इस पर क्वान्टिटीज़ हैं, शेयर्स हैं, जो कि 7.5% के आसपास होता है। ये पहले इनके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी थे, उसके बाद फिर इन्होंने ऐड किया 1.93%, अभी मैंने आपको दिखाया था 1.93, जिसको अगर आपको अगर उसको क्वांटिटी में करते हैं तो 1,16,00,000 का है यहाँ पे, 1,16,00,000 का क्वांटिटी है, तो दोनों को आप ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पे तीसरा जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है तो वो आपको यहाँ पे देख सकते हैं, वो है यहाँ पे 1,00,00,000। तीसरा क्वांटिटी इसमें भी शायद नहीं अपडेट किया हुआ है इस मनी कंट्रोल में, तो तीसरा भी इसमें है, तो उस जो कि 80 लाख क्वांटिटीज़ हैं जो आपकी न्यूज़ में यहाँ पे दिखा सकते हैं, वो अपडेटेड नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं 80 लाख शेयर्स हैं, 21,25,000, 10,000,00,000, 10,00,000, 80 लाख इसमें शेयर इन्होंने ऐड किया है। उसके अलावा जो जाने माने इसमें है, देखिए प्रेम अजीम प्रेम जी, जो कि विप्रो के ये ट्रस्टी कंपनी है, अजीम प्रेम जी, उन्होंने 2.12% का है स्टेक बना रखा है। उसको क्वांटिटी में अगर देखते हैं तो वो कहीं तहीं 11,00,000, 10,00,000, 10,00,000, 1,27,00,000 शेयर है, 1,27,13,468 शेयर्स उनके पोर्टफोलियो में है। तो आप जान सकते हैं कि इसका कितना बड़ा डिमांड है आने वाले टाइम में, इस स्टॉक प्राइस कहाँ जाएगा। और तो बहुत अच्छा है, शानदार है स्टॉक है। और उसके बाद मैं आपको यहाँ पे म्यूचुअल फंड तो देख ही लिया आप, उसके बाद ये कंपनी का एक बार मैं आपको हल्का सा थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ, आप इसके जा करके पूरा आप देख सकते हैं डिटेल में। तो ये कंपनी जैसे कि बिल्डिंग हाउसिंग है के सेक्टर में काम करती है, रोड्स बनाती है, उसके बाद इलेक्ट्रिकल में भी है, उसके बाद वाटर एंड एनवायरनमेंट है, इरिगेशन है, रेलवेज़ वगैरह में भी कंपनी काम करती है, इंटरनेशनल रोड्स वगैरह में भी काम करती है। यहाँ पे देखिए कंपनी पावर सेक्टर में भी है, मेटल सेक्टर में भी है, माइनिंग में है, तो काफ़ी डाइवर्सिफाइड बिजनेस है इस कंपनी का, तो अच्छा ग्रोथ है। उसके बाद एक बार थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दिखाता हूँ इसका फाइनेंशियल का, एक बार एनुअल दिखाता हूँ, फिर आपको डिसीजन लेने में काफ़ी आसानी होगी कि कंपनी का ग्रोथ कैसा रहा है, रेवेन्यू कैसा रहा है पिछले सालों में। तो यहाँ पर 2013 में जो है कंपनी 6,968 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद कंपनी का बढ़ करके
8,390 करोड़ का रेवेन्यू हुआ है। वहीं पर कंपनी का अगर कंसोलिडेटेड प्रॉफिट देखें तो कंपनी के 2013 में 56 करोड़ का प्रॉफिट था, उसके बाद बढ़कर के 168 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट हो गया है। वहीं पर कंपनी का रिजर्व की बात करें तो कंपनी 2013 में 2645 करोड़ का इसका रिजर्व था, आज बढ़कर के 4,161 करोड़ का रिजर्व कंपनी के पास है। वहीं शेयर होल्डिंग फंड देखिए 4,281 करोड़ का शेयर होल्डिंग फंड है और कंपनी के पास जो डेट है थोड़ा सा डेट कंपनी ने यहाँ से अगर कंपेयर करते हैं तो घटाया है। जहाँ 2013 में कंपनी के ऊपर करीब 39,000 करोड़ का कर्ज था वो घटा करके 2,060 करोड़ का इसमें कंपनी के ऊपर कर्ज है, तो कर्ज में भी कंपनी रिड्यूस किया है, ये भी एक बहुत अच्छी बात है कंपनी के लिए। वहीं ईपीएस देखिए, ईपीएस कंपनी का प्रॉफिट दर्शाता है, तो यहाँ पर 2013 में 1.48% का ईपीएस था, वो ईपीएस बढ़ करके 2.81% का ईपीएस है। तो आज का ये स्टॉक रहा दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा और इसमें इन्वेस्ट करने से अपने साइड से एनालिसिस करें और पूरी तरह से सेटिस्फाई होने के बाद ही एनालिसिस करें, किसी के कहने पर ब्लाइंडली इन्वेस्ट ना करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।